आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जितने भी आपने बताई, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम, बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम, जॉब सर मिल नहीं रही है या फिर निकाल दिया है या फिर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है एंड ऑल दैट, फिर उसके बाद आता है बिजनेस कि सर बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है या बिजनेस में रिस्क लेने में बहुत डर लग रहा है या एनीथिंग एल्स। फिर उसके बाद आता है रिलेशनशिप कि सर बॉयफ्रेंड सही नहीं बात हो रही है, इग्नोर कर रहा है एंड ऑल दैट, या गर्लफ्रेंड इग्नोर कर रही है। बात ये समझनी है कि इफ़ वी एनालाइज दैट सिचुएशन कि क्या ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, पहली बात तो अपने दिमाग में एक चीज़ डाल लो कि कोई भी प्रॉब्लम आपसे बड़ी नहीं है, यू आर द क्रिएटर ऑफ दैट प्रॉब्लम, तो वो आपसे बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। फिर आप एनालाइज करो उस सिचुएशन को कि एक्चुअल में उस सिचुएशन में है क्या। अगर आप देखोगे, चलो एक जो हमारे चैनल के लोग हैं वो ज़्यादातर रिलेशनशिप वाले हैं, तो एक उसका एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई आदमी आपको इग्नोर कर रहा है या ब्रेकअप के थ्रू गुजर रहे हो, जो भी आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम है लाइफ में, ठीक है, अगर आप ये चीज़ एनालाइज करो कि यार वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में क्या हो सकता है, और इफ़ वी गो फॉर द बिजनेस, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में क्या हो सकता है, आपका बिजनेस डूब जाएगा, वो तो अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो वैसे भी डूब जाएगा। ठीक है, अगर आप करियर के लिए नहीं जाओगे या जॉब स्विच नहीं करोगे तो वैसे भी वहीं के वहीं पड़े हो। यू हैव दैट एबिलिटी, तो आपको एनालाइज करना है चीजों को कि यार कई बार हम लोग किसी चीज को कितना बड़ा बना देते हैं ना कि कोई बजा लो हॉर्न सारे बजाते हुए जाते हैं, ठीक है, तो कई बार हम कितना बड़ा बना लेते हैं सिचुएशन को कि हम खुद नहीं समझ पाते हैं कि क्या ये सिचुएशन जिसमें मैं फंसा हूं ये इतनी बड़ी है, क्या उस इंसान को क्या हो जाएगा। मैक्सिमम अगर हम सोचें कि कोई हमसे ब्रेकअप कर लेता है, क्या हो जाएगा, दोनों अलग रहेंगे, फिर थोड़े दिन बाद जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, या बिजनेस डूब जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको फिर से कुछ या जॉब करनी पड़ेगी या फिर कोई और बिजनेस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने जॉब स्विच की तो क्या होगा, ज़्यादा वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है, आप घर पे बैठ जाओगे, थोड़े दिन घर पे बैठना पड़ सकता है, थोड़ी जो पहले जॉब मिल रही थी पर उससे कम वाली जॉब मिल सकती है। पर यह बात समझनी है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में जहां भी आप फंसे हुए हो, अगर आपने एनालाइज कर लिया उसका वर्स्ट सिचुएशन, देन यू आर गेटिंग रेडी फॉर द वर्स्ट थिंग इन योर लाइफ। ठीक है, आपको ये समझना है कि आप अपने आप को सेल्फ डेवलप्ड कर रहे हो। ठीक है, मैं इसीलिए इस क्लास को बोलता हूँ सेल्फ डेवलपमेंट क्लास। ठीक है, तो आपको खुद डेवलप करना है, मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ आपको बता रहा हूँ किस तरीके से। ठीक है, जब आपने आज शाम को ये करना, ठीक है, जब जैसे ही आपने घर पे जाओ और चीज़ें करने लगो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप बैठ के एनालाइज करना ये चीज़ कि क्या सच में ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है और इसका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। अगर हम रिलेशनशिप में ले, वर्स्ट केस क्या होगा, छोड़ देगी, हम साथ में नहीं रहेंगे, इससे वर्स्ट कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है, जब आपने एनालाइज कर लिया सिचुएशन को तो आपका माइंड उस चीज़ की सोल्यूशन की तरफ जाता है। कई लोग क्या करते हैं, अगर जो इनको प्रॉब्लम है वो उसके बारे में डिस्कस ही नहीं करते हैं या वो खुद से भी बात नहीं करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका सेल्फ एनालाइजिंग जो थिंग है वो काम करना बंद कर देती है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि आप सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग ही नहीं रख पाएंगे जब आप इतना ज़्यादा सिचुएशन में फंसे होंगे। पर आपने आप सिचुएशन एनालाइज कर ली कि इसका वर्स्ट क्या हो सकता है, ठीक है, जो भी आपने वर्स्ट केस सिनेरियो लिया, ठीक है, अब जैसे आपको पता है कि अगर आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड या कोई भी रिलेशनशिप आपको इग्नोर कर रहा है, आपको ये पता है कि आपको उन्हें डायरेक्टली बोलना है कि यार देखो इतना चीज़ है, ये चीज़ कर सकते हैं, एंड दिस इज़ द थिंग, हमें इन इन चीज़ों पर काम करना चाहिए। पर ये हम क्यों नहीं बोलते आगे वाले आदमी को, क्योंकि वी आर अफेयर्ड ऑफ लूजिंग हिम और हर, हम डरते हैं उन्हें खोने से। हम बिजनेस में रिस्क क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि हम डरते हैं रिस्क लेने से।
ठीक है। तो ये आपको समझना है, जब आपका वो डर खत्म हो जाएगा, आपने वर्स्ट सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया, पहले तो एनालाइज कर लिया, फर्स्ट पॉइंट इज एनालाइजिंग योर सिचुएशन, सेकंड पॉइंट इज एक्सेप्ट दैट सिचुएशन कि ये भी हो सकता है ना, कोई इंसान हमें छोड़ सकता है, हमारा बिजनेस डूब सकता है, हमारी जॉब जा सकती है, हमने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया मेंटली कि हाँ यार ये पॉसिबल है और ये हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम लोग क्यों क्यों ब्रेकअप के बाद लोग इतना ज़्यादा टूट जाते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये इंसान मुझे छोड़ के जा सकता है या ये इंसान मुझे धोखा दे सकता है। कोई भी इंसान किसी को भी धोखा दे सकता है, और सर ये तो गलत बात है, गलत या सही इसका फैसला हम कर रहे हैं ना, एज अ इंडिविजुअल आप कर रहे हो, हर एक की ज़िंदगी का सच अलग है ना, क्या पता जो वो कर रहा है उसके लिए वो सही हो। हम लोग क्या बोलते हैं, सर वो गलत कर रहा है या वो गलत कर रही है, वो गलत कर रहा है गलत कर रही है वो अलग बात है, पर आप उसे ये सब चीज़ें अपने ऊपर करने दे रहे हो, ये इससे भी गलत बात है। तो जब आपने वर्स्ट केस सिनेरियो को एक्सेप्ट कर लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये छोड़ के चली जाएगी, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, ठीक है, वहाँ से एक्सेप्टेंस से ना आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। जब आप किसी चीज़ को खोने से डरते रहोगे ना, ये चली जाएगी, पैसा मेरा चला जाएगा, कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है। जो अपना सब कुछ लुटा सकते हैं उनको ही सब कुछ मिल सकता है, आप समझ रहे हैं। तो आपने जब एक्सेप्ट कर लिया कि यार मुझे ऐसे चाहिए, अगर ये इंसान नहीं रहेगा वर्स्ट सिचुएशन में, ये मुझे छोड़ के चला जाएगा, पर मैं बेस्ट ये कर सकता हूँ कि अब इसको जब हमने एक्सेप्ट कर लिया तो हमें मेंटली रिलीफ मिल गया, अब हम डर नहीं रहे हैं उस सिचुएशन से, अब हम एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग रख रहे हैं उस सिचुएशन को लेके, है ना। तो जब एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग आ जाती है, फिर उसके बाद जो आता है कि जो हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो, अभी अभी क्या है, अगर कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, या कोई इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, या फिर कोई इंसान आपसे इंटरेस्टेड ही नहीं है बात करने में, तो आप इसे इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हो, ठीक है। और या फिर मैं सब चीज़ों का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, या फिर बिजनेस में अगर कुछ सही नहीं चल रहा है, पता है आपने एक बार एक्सेप्ट कर लिया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगले एक महीने में बिजनेस डूब जाएगा, पर इसको डूबने से पहले मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूँ, फिर वो इम्प्रूवमेंट शुरू करो, क्योंकि पहले दो स्टेप से, एनालाइज एंड एक्सेप्टेंस से, आपका ब्रेन सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग में चला जाएगा।